हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में या आर्टिकल के बारे में। देश में एक नया एकता में विविधता का भाव डराता है। कई बार यह समझ नहीं आता कि देश किस खबर पर रोए और किस पर हंसे। करीब 21 साल पहले भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मनु जब हैदराबाद में स्थापित किया गया, तो इसका मकसद केवल उर्दू भाषा का विकास और उन्नयन ही नहीं, तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा भी उर्दू में देना था। तब से करोड़ों खर्च करने के बाद अब पता चला है कि इसके लगभग आधे शिक्षक स्वयं इस भाषा में नहीं पढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सिटी कुलपति ने खुद इस बात को बेबाकी से कहा है कि तमाम पाठ्यक्रम आज भी अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं और अभी तक केवल 50 किताबों का उर्दू में अनुवाद हुआ है, लेकिन वह भी बाहर के लोगों से कराया गया। कुलपति ने कहा है कि मुझे विश्वविद्यालय में कोई एक भी अध्यापक नहीं मिला जो इसमें सक्षम ना हो। अगर ऐसा है तो शिक्षकों के लिए 1 साल का उर्दू की शिक्षा का डिप्लोमा अनिवार्य किया जाना चाहिए। उधर शिक्षकों की भर्ती करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक सिफारिश से भर्ती की जाती रहेगी, ऐसे ही शिक्षक मिलेंगे। दूसरी खबर है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के सरकारी संस्कृत विद्यालय में 80% विद्यार्थी मुसलमान हैं और एक थर्राटे से वेद व गीता के श्लोक लिख पढ़ लेते हैं। कई श्लोक और पूरी हनुमान चालीसा कंठस्थ कर चुके हैं। ये अपना परिचय शुद्ध संस्कृत में देते हैं। ये बच्चे वैसे तो गरीब तबके के हैं, लेकिन स्कूल से छूटने के बाद ये छोटे मोटे काम कर घर की आर्थिक स्थिति सुधारते हैं और फिर शाम को मदरसे में अरबी भाषा और कुरान पढ़ते हैं। प्रधानाध्यापिका के अनुसार ये बच्चे 4 भाषाएं सहज भाव से जान जाते हैं, हिंदी, संस्कृत, अरबी, उर्दू। परीक्षा में हिंदू बच्चों के मुकाबले इनके नंबर भी अधिक आते हैं। अब तीसरी खबर देखें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में नियुक्त सह प्रोफेसर फियोज खान के खिलाफ छात्रों ने 2 ही दिन बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि मुसलमान शिक्षक हमें हमारे धर्म नहीं पढ़ा सकते। हम शिक्षक को गुरु मानते हैं जो शिक्षा रखता है और जो हवन करता है जिसमें हम सब भाग लेते हैं। कुलपति का कहना है कि फिरोज कुल 29 आवेदकों में नियुक्ति समिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ पाए गए और यूनिवर्सिटी के कानून में धर्म के आधार पर शिक्षक बहाल करने का कोई नियम नहीं है। चलिए, तो ये था हमारा आर्टिकल एक महत्वपूर्ण।